हेलो वन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू अपनी कक्षा। इस वीडियो में आपको सॉल्यूशन चैप्टर का पार्ट टू कराने वाला हूं। यहां पे मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सिखाऊंगा। यहां पे आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक कॉन्सेप्चुअल अप्रोच मिलेगा। आपको यहां पे चीज़ें याद नहीं करनी पड़ेंगी, सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस चैप्टर का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल आपके पेपर में आते हैं, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने एग्जांपल के तौर पे ये दो बीकर लिए हुए हैं और इसके अंदर हमने वाटर डाल रखा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि इस पहले वाले बीकर के अंदर मैंने एक चम्मच चीनी डाल दिया है, लेकिन अब की बार जो चीनी लिया है ना, ये पाउडर्ड शुगर के फॉर्म में है, ठीक है। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं NaCl, मतलब कि नमक डाल रहे हैं। नमक भी मान लीजिए हमने कितना लिया, एक चम्मच ले लिया। ओके भैया, अब आपके खोपड़ी मारा होगा कि सर ये क्या हो जाएगा, ये मीठा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा। अपन को इस पे चर्चा ही नहीं करनी है कौन मीठा है कौन खारा। आप यहाँ पे ये मान लीजिए कि इसके अंदर जो हमने पाउडर्ड शुगर डाला था, उसके अंदर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है हमने इसके अंदर नमक के भी डाले हैं। कहने का मतलब हुआ कि हमने दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मिला रखे हैं। बस इसके अंदर हमने क्या मिलाया है, शुगर मिलाया है और इसके अंदर हमने नमक मिला दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि इन दोनों सॉल्यूशंस के चार ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेम होती हैं, तो आपके खोपड़ी में आएगा ऐसी कौन सी चार प्रॉपर्टी हैं वो बता दीजिए। तो उनका पहले आप नाम सुनिए, उसको आप याद करने की मेमोराइज करने की कोशिश करिए। इस प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कि RLVP। क्या बोल रहा हूं मैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। मेरे साथ दोहराइए, आपको याद हो जाएगा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और दूसरा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहां पे किसके डिप्रेशन की बात की जा रही है, फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन की बात की जा रही है। तो दूसरा क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और तीसरा होगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। याद करिए इस चीज को, क्या बोल रहा हूं, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा नंबर है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहां पे आपको चार ऐसी प्रॉपर्टीज दिख रही हैं जो इन दोनों सॉल्यूशंस के सेम होंगे। अब यहां पे आप ये कहेंगे कि आखिरकार बताइए कि इनके जो ये प्रॉपर्टीज हैं ये सेम क्यों हुए हैं, क्योंकि ये जो हमारे चारों प्रॉपर्टीज हैं वो चारों प्रॉपर्टीज जो है सिर्फ इस बात पे डिपेंड करते हैं कि इस वाटर के अंदर कितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ऐड किए गए हैं। और हमने दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऐड किया है, इस वजह से इन दोनों सॉल्यूशंस के ये चार प्रॉपर्टीज सेम आएंगे और इन्हीं चार प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि मैंने क्या बोला था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नोन एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यहां पे मैंने एक शब्द लिखा है ओनली, तो ध्यान देना कि ऐसे प्रॉपर्टी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं उनको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पे आपको जो ये चारों प्रॉपर्टीज दिख रही हैं, इन चारों प्रॉपर्टीज को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। तो यहां पे देखिए अगला लाइन लिखा गया है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। अगर मैं यहां पे एक चीज पूछूं आपसे कि इस वाले वाटर के अंदर मान लीजिए कि हमने एक चम्मच जो है पाउडर शुगर डाला और इसके अंदर हमने जो है दो चम्मच पाउडर शुगर डाल दिया है, दोनों में अब की बार हमने शुगर शुगर मिलाया है, तो आप ये बताइए कि इन दोनों सॉल्यूशंस के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे क्या असर आएगा। तो आप वहां पे जवाब देंगे, क्योंकि इस वाले के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डबल हो चुके हैं, तो हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो भी डबल हो जाएगी। तो याद रखिएगा कि जब आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स को बढ़ाएंगे तब वहां पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया था 2017 के अंदर। अब हम एक एक करके सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। देखो भैया, पहला क्या था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग बना रखा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पहले हम ये समझेंगे कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। तो हमने यहाँ पे हेडिंग बनाया है लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर। ध्यान से सुनना, बहुत ही आसान लगेगा अगर आपने इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया है। तो देखिए भैया, यहाँ पे हमने लिया हुआ है ए के अंदर प्योर सॉल्वेंट। जब हम प्योर सॉल्वेंट लेंगे और थोड़ा मोड़ा इसको अगर हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे सरफेस वाले वो निकल करके कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। मतलब कि ये लगातार वेपराइज होता रहेगा, और अगर ये वेपराइज होगा तो यहाँ पर कुछ पार्शियल प्रेशर वो क्रिएट करेगा। कहाँ पे, इस वाले वॉल्यूम के अंदर वो क्या करेगा, कुछ पार्शियल प्रेशर क्रिएट करेगा। और उस पार्शियल प्रेशर को मैं मान लेता हूँ कि वो क्या है, पी नॉट है। तो आपसे मैं पूछूँ ये पी नॉट क्या है, तो आप जवाब दीजिए कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। हमें यहाँ पर जो ये प्योर सॉल्वेंट दिया गया है, इसी प्योर सॉल्वेंट के अंदर हम मिलाने वाले हैं कुछ ऐसे सॉल्यूट जो नॉन वोलेटाइल हैं। मतलब कि उसको हीट करके आप गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा सकते। हमने इसके अंदर कुछ ऐसे सॉल्यूट्स डाल दिए हैं। ओके भैया, इसका मतलब हमने इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला है। अगर आप इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो वो बन जाएगा कुछ इस तरीके का सॉल्यूशन। कहने का मतलब, वहां पे अब सॉल्वेंट भी होगा और सॉल्यूट भी होगा। अच्छा भाई, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट होगा तो इसका जो ये सरफेस है, उस सरफेस पर कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्यूट के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे और वहां पे सॉल्वेंट के भी पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। और जब यहाँ पे आप हीट कर रहे होंगे, कहने का मतलब जब ये सॉल्यूशन वेपराइज हो रहा होगा, तो यहां से तो सिर्फ कौन बाहर निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही बाहर निकलेगा, क्योंकि जो हमारा सॉल्यूट है वो कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। इस वजह से हमें देखिए इस वाले वॉल्यूम के अंदर कौन दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, क्योंकि ये हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो हमने नॉन वोलेटाइल ले रखा है। क्योंकि हमारे इस सरफेस पर अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, और जो हमारा इवेपोरेशन होता है वो सरफेस पर ही डिपेंड करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सरफेस एरिया कवर्ड बाई सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि वहाँ पे क्या आ गया है, सॉल्यूट भी आ गया है जो कि ऊपर जाएगा नहीं, जो कि वेपराइज होगा नहीं। यहाँ से वेपराइज सिर्फ कौन होगा, सॉल्वेंट होगा, और वो सॉल्वेंट का जो एरिया था वो अब घट चुका है। अगर एरिया घट चुका है तो सेम टेम्परेचर पर ही ज़्यादा पार्टिकल्स ऊपर जा नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमें जो वेपर्स मिलेगी, उन वेपर्स में अब सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम होंगे। अगर यहाँ पे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कम होंगे और उसको हम ये मान लें कि ये जो है वेपर प्रेशर पी क्रिएट कर रहा है, तो निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो ये वेपर प्रेशर पी है वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट के। क्योंकि पी नॉट वाले केस में यहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, लेकिन इस पी वाले केस में यहाँ पे कम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिख रहे हैं सॉल्वेंट के। इस वजह से हमने यहाँ पे लिखा हुआ है पी नॉट इज ग्रेटर देन पी। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन के अंदर जो आपको वेपर प्रेशर मिलता है वो वाला वेपर प्रेशर कम होता है विद रिस्पेक्ट टू प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर वेपर प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है जब हम किसी सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिला रहे हैं जो कि नॉन वोलेटाइल है। इसी ड्रॉप ऑफ वेपर प्रेशर को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। उसके लिए यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। आई होप आपको समझ में आया हो कि पी नॉट की वैल्यू जो है पी से ज़्यादा होगी। अगर हम पी नॉट में से पी को घटा दें तो हम इसको क्या बोलेंगे, चेंज इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो याद रखिएगा कि आपको डेल्टा पी कहीं लिखा हुआ मिले तो आप उसको क्या बोलेंगे, उसको आप लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलेंगे। अब चर्चा करते हैं इस वाले ग्राफ की, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ग्राफ, ठीक है। यहाँ पे पहले समझेंगे तब हम चलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की तरफ। इस वाले ग्राफ को थोड़ा ध्यान से देखना। देखो भाई, ये जो हमने ये वाला लाइन बनाया है ना,
ये सॉल्वेंट को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे हमने देखिए ले रखा है वेपर प्रेशर और ये है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर के बढ़ाने से वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट पे क्या असर पाएगा, तो आप शायद कहोगे कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। निश्चित रूप से यार, टेम्परेचर बढ़ाओगे उतने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे, जितने ज़्यादा वेपर्स बनेंगे उतने ज़्यादा हमें वेपर प्रेशर वहाँ पर मिल रहा होगा। तो किसी सॉल्वेंट के लिए देखिए, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखता है। ओके भाई, जब हम इसी सॉल्वेंट के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो हमें ये सॉल्यूशन की लाइन मिल जाती है। और इस लाइन को हमने सॉल्वेंट के नीचे क्यों बनाया है, क्योंकि जब हम सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, घट जाता है। वहां पे हमें ड्रॉप ऑफ वेपर प्रेशर देखने को मिलता है। इस वजह से यहाँ पर हम सॉल्यूशन वाले ग्राफ को सॉल्वेंट वाले ग्राफ के नीचे बनाते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दूँ कि हमें नहीं पता है कि इसमें से कौन सी लाइन जो है सॉल्वेंट की है और कौन सी लाइन जो है सॉल्यूशन की है, मान लीजिए आपके पेपर में ये आ गया और आपसे पूछा गया कि इन दोनों ग्राफ में से कौन सा ऐसा है जो सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है और कौन ऐसा है जो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जवाब देने के लिए आप यहाँ पर वाई एक्सिस के पैरेलल जो है एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है भैया। हमारी जो ये वाली लाइन है वो इस ऊपर वाले ग्राफ को जहाँ पे टच करती है उसके सामने वाले पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर दिया गया है उस वाले वेपर प्रेशर को नोट कर लीजिए, ठीक है। और इसी लाइन पर जब ये नीचे वाला ग्राफ मिले उस ग्राफ के इस पॉइंट से रिलेटेड वेपर प्रेशर लिख लीजिए, तो हमें दिखेगा कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर है इन दोनों में अंतर है। अब देखो, यहाँ पर जो वेपर प्रेशर मिला वो वाला ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा और यहाँ वाला वेपर प्रेशर कम वाला वेपर प्रेशर होगा, तो जो ज़्यादा वाला वेपर प्रेशर है निश्चित रूप से वो सॉल्वेंट वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। मतलब कि ये पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सॉल्वेंट की ग्राफ पे प्रेजेंट होगा, और ये वाला पॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा, सॉल्यूशन की ग्राफ पे प्रेजेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर हमें कम वेपर प्रेशर मिलता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्यों होता है, उसके पीछे का क्या लॉजिक है और उसको ग्राफ में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए अब आते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर। यहाँ पर लिखा गया है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट व्हिच इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आप ये कहोगे सर आपने लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी तो यही बताया था। एक्चुअली देखो, दोनों एक ही बात है लेकिन शब्द रिलेटिव जो है ना वहीं से एक टर्म थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अब समझना उसके कहने का मतलब क्या है। देखो, डेल्टा पी हमने क्या निकाला था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकाला था। ये डेल्टा पी कहाँ से आया था, डेल्टा पी आया था जब हमने पी नॉट माइनस पी किया हुआ था, ठीक है भैया। अगर हम इस डेल्टा पी को पी नॉट से डिवाइड कर दें तो जो आपको ये चीज मिल रही है इसी को हम रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, क्योंकि अब हमारा जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है वो किसके रिलेटिव हो गया है, पी नॉट के रिलेटिव लिखा गया है। तो शायद आपको याद हो चुका होगा कि डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब एक बार दोबारा लौटते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन मिला था, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर हम ये मान लें कि x1 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, कहने का मतलब हुआ कि इस वाले सॉल्यूशन के अंदर हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना है, x1 है, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है, x2 है। अगर हम ये मान लें तो हम इस वेपर प्रेशर की वैल्यू लिख सकते हैं बाई यूजिंग राउल्ट्स लॉ। अब बताइए क्या होगा, शायद आपकी खोपड़ी में आ रहा होगा कि पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू एक्स वन इंटू पी नॉट। यहाँ पे पी नॉट क्या है, ये पी नॉट जो है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट होगा वो भी सॉल्वेंट की वजह से ही होगा। इस वजह से इस वाले वेपर प्रेशर को अब हम लिख सकते हैं पी इज इक्वल टू एक्स वन इंटू पी नॉट। यहाँ पे हमने जो ये x1 लिखा था ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है इन द सॉल्यूशन। यही चीज आगे लिख करके समझाया गया है, तो चलिए अब देख लेते हैं। लिखा गया है कि देन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन p इज इक्वल टू x1 इंटू पी नॉट। ओके भैया, अब हमें पढ़ना है रिडक्शन इन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब कि लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर डेल्टा p, वो हमने पहले ही बता दिया p नॉट माइनस p होगा। तो इसको आगे आप कैसे लिखोगे,
पी को आप यहाँ पे लिख दोगे एक्स वन इंटू पी नॉट। देखो यहाँ पे यही चीज़ तो लिखी गई है, हमने यहाँ पे पुट कर दिया, तो यहाँ से हमें पी नॉट मिल जाएगा कॉमन, और आएगा अंदर ब्रैकेट में वन माइनस एक्स वन। वन माइनस एक्स वन को हम क्या बोल सकते हैं, क्या हम इसको एक्स टू बोल सकते हैं? तो जवाब है हाँ। क्यों? क्योंकि एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब कि मोल फ्रैक्शन को जब हम जोड़ते हैं बाइनरी मिक्सचर के लिए तो निश्चित रूप से हमें वहाँ पे वन मिलता ही है। इस वजह से हमें मिला कि डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स टू इंटू पी नॉट। क्या मिला? डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स टू इंटू पी नॉट। अगर मैं इसको थोड़ा और इज्जत से लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। क्या बोला मैंने? डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट, इसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था, ये क्या है? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। जो ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मतलब कि एक्स टू के बराबर आ रहा है। आपके दिमाग में यहाँ से कुछ लाइनें आ जानी चाहिए थी कि देखो भैया, क्योंकि हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर है, मतलब कि वो नंबर ऑफ मोल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल है। इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो हमारा आर एल वी पी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है, और अगर कोई प्रॉपर्टी जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करने लग जाए सॉल्यूट के तो उसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया कि जो हमारा आर एल वी पी है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो आप एक बात अपने दिमाग में ये फिक्स कर लीजिए कि जितने भी आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यहाँ पे दिए जाएंगे, यहाँ पर बस बोले नहीं जा रहे हैं कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं, मतलब कि ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। यहाँ पर हर प्रॉपर्टी को मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि वो किस तरीके से नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करते हैं। जैसे मैंने यहां पर बता दिया कि जो हमारा आर एल वी पी है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से हमें समझ में आ चुका है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो चलिए आगे कुछ फॉर्मूले बना लेते हैं जिससे हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले होंगे। ओके भैया, चलो मान लेते हैं भैया हमारा जो एन वन है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करता है, और जो एन टू है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप बताइए एक्स टू को आप क्या लिखोगे, मतलब कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को आप लिखोगे एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। ऐसे ही तो लिखते हैं ना मोल फ्रैक्शन, कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन बाइनरी मिक्सचर। ओके भैया, तो इस तरीके से हमें एक्स टू की वैल्यू मिल गई, और हमने अभी ऊपर पढ़ा था डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू। अगर एक्स टू की वैल्यू रख दें तो क्या होगा? एन टू डिवाइड बाई एन वन प्लस एन टू। तो इस तरीके से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है कि आर एल वी पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस पी, मतलब कि डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एक्स टू, और एक्स टू की वैल्यू हमने क्या रखा था? एन टू डिवाइड बाई एन टू प्लस एन वन या एन वन प्लस एन टू। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, अक्सर आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कहने का मतलब हुआ कि एक ऐसा सॉल्यूशन जहाँ पे सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स तो बहुत ज़्यादा हैं विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो देखिए भैया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एन टू की वैल्यू क्या होगी? बहुत कम होगी विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट के। तो यहाँ पे एन वन की वैल्यू बहुत ज्यादा मिलती है विद रिस्पेक्ट टू एन टू के। तो यहाँ पर हम इस वाले फॉर्मूले के अंदर इस एन टू वाले पार्ट को अब हम गायब कर देंगे, इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये जो है एन वन के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा नंबर होगा। तो इस तरीके से हमें मिलेगा एन टू डिवाइड बाई एन वन, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, इस एन टू को गायब कर दिया। तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा पी नॉट माइनस पी डिवाइड बाई पी नॉट इज इक्वल टू एन टू डिवाइड बाई एन वन। चलिए इस वाले फॉर्मूले को और ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर जो आपको ये W1 दिख रहा है, W2 दिख रहा है, ये मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं, और M1 और M2 जो है मोलर मासेस को रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट और सॉल्यूट के रिस्पेक्टिवली। तो हम यहाँ पर N2 की वैल्यू बताइए क्या लिख सकते हैं? N2 की वैल्यू लिख सकते हैं वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट, और N1 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। और यही वैल्यू हमने जब पुट किया तो हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। अभी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उस पर बेस्ड एक यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। इसके बारे में पूछा गया था सीबीएसई 2015 के अंदर 3 नंबर का। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग
10 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट इन 200 ग्राम ऑफ द वॉटर। मतलब कि हमारा सॉल्वेंट क्या है, वॉटर है, जो कि कितना है, 200 ग्राम है। आगे लिखा गया है, इट हैज अ वेपर प्रेशर ऑफ दिस एट 308 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। यहां पर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट बताना है, मतलब कि आपको यहां पर M2 की वैल्यू बतानी है। और आगे लिखा गया है कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वॉटर इज इक्वल टू 32 mm ऑफ HG। देखो भैया, ये जो 10 ग्राम था वो क्या था, वो सॉल्यूट का वेट था, तो हो जाएगा W2 इज इक्वल टू 10 ग्राम। और जो हमारा ये 200 ग्राम है, ये क्या है, ये सॉल्वेंट का वेट है। चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं कि जो प्रेशर है वो कितना है, 31.84 mm ऑफ HG है। ये क्या भैया, ये है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पर दिया गया है प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, मतलब कि ये P0 की वैल्यू है, तो वो चीज हमने यहाँ पे रख दिया है। ओके भाई, चलिए अब आंसर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पढ़ा था डेल्टा P डिवाइड बाई P0 इज इक्वल टू क्या पढ़ा था बोलो, N2 डिवाइड बाई N1 पढ़ा था। अगर N2 और N1 को वेट और मॉलिकुलर वेट के फॉर्म में लिखें तो हमें मिलता है ये वाला फॉर्मूला। तो चलिए रख करके देख लेते हैं। P नॉट की वैल्यू दी गई थी 32, उसमें से P की वैल्यू घटाइए, क्या होगा, 31.84। फिर हम इसको किसके डिवाइड करेंगे, P नॉट मतलब कि 32 से डिवाइड करेंगे। इसके आगे होगा इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई M2, जहां पे ये M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। ठीक है भैया, यही हमें निकालना था। डिवाइड बाई 200 डिवाइड बाई 18, ये क्या दिया गया, वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट। मॉलिकुलर वेट कितना होता है वाटर का बोलो, H2O का निकाल लो कितना आएगा, H के लिए हो जाएगा 1, तो 2 × 1 + 16 मतलब कि हो जाएगा 18। इस वजह से हम 200 को यहाँ पे डिवाइड कर रहे होंगे 18 से। ओके, तो यहाँ से हमें कैलकुलेशन के बाद मिलेगा M2 इज इक्वल टू 180 ग्राम पर मोल। आई होप आपको मज़ा आया होगा, आनंद आया होगा इतना करने के बाद। और इतना करते ही आपको मिल चुका होगा 3 नंबर। देख रहे हो, इतना छोटी सी चीज करने पे हमें कितने नंबर मिल रहे हैं, 3 नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हम यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट पर डिस्कशन करेंगे। हम ये देखेंगे कि जब हम सॉल्वेंट के अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उस सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर आता है। तो इसको समझाने से पहले मैं आपको ये समझा दूं कि जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वेपर प्रेशर के इम्प्रोपोर्शनल होता है, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन कर रखा है। बस आप इस पॉइंट को याद रखना, इसमें हम इसका बहुत ज़्यादा यूज करने वाले हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो वहाँ पे आप जवाब दीजिए, किसी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर वेपर प्रेशर जो है उस लिक्विड का इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक सॉल्यूशन है और इस सॉल्यूशन को हम अब हीट कर रहे हैं। जब हम हीट करेंगे तो यहाँ पर कुछ वेपर प्रेशर क्रिएट होगा। यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जब ये वेपर प्रेशर बाहर से लग रहे एटमॉस्फेयर प्रेशर के बराबर हो जाता है और ये कार्यक्रम जिस टेम्परेचर पर होता है उसी को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे कि किसी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड या वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन के बराबर होता है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा ज़्यादा होता है विद रिस्पेक्ट टू द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। और इसमें जो है यही लाइनें लिखी गई हैं। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने देखा कि हमारे सॉल्वेंट के लिए वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। अगर वेपर प्रेशर की वैल्यू ज़्यादा आ रही है तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्योर सॉल्वेंट के लिए जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन के। तो यहाँ पर देखिए वही लाइन लिखी गई है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन विच द सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। कहने का मतलब हुआ कि उस सॉल्वेंट का जिससे कि सॉल्यूशन बनाया जा रहा है उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है हमेशा कम होगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन के। या इसी को ये बोल लो कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा, ज़्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू प्योर
सॉल्वेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं, इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पढ़ाते वक्त समझा दिया है। जब मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि यहाँ पर जो वेपर प्रेशर मान लो पी आता है और यहाँ वाला जो वेपर प्रेशर पी नॉट आता है, उनमें जो है पी की जो वैल्यू है वो कम होती है पी नॉट से। क्यों होती है कम, उसी चीज को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो देखो भैया, जब आप सॉल्यूशन बनाते हो तो इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के पार्टिकल्स होंगे, तो इसकी सरफेस पर जो है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी आ जाएंगे। जब उस पर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आएंगे और आप यहाँ से हीट करोगे, वो तो उड़ करके गैस के फॉर्म में ऊपर जाएंगे नहीं, और यहाँ का जो टोटल सरफेस एरिया था उस पर अब सॉल्वेंट के कम पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। इस वजह से यहाँ पर कम वेपर्स आएंगे। अगर यहाँ पे कम वेपर्स आएंगे तो वहाँ पर कम वेपर प्रेशर आएगा, और इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर लिख रखा है। इस चीज़ को आप एक बार पढ़ करके देख लीजिएगा, आपके नोट्स में भी ये मेंशन है। ओके, अब आ जाते हैं इस ग्राफ पर जिस पे हमने डिस्कशन किया हुआ था कि ये किसको बताता है, सॉल्वेंट को, और ये वाला उसके नीचे वाला ग्राफ किसको बताता है, सॉल्यूशन को बताता है। चलिए मान लीजिए कि हमने इस वेपर प्रेशर की लाइन पर एक पॉइंट लिया जो कि 1 एटमॉस्फेयर को बता रहा है। अब मैं 1 एटमॉस्फेयर की लाइन को यहाँ पे बढ़ा दूँ तो देखो भैया, ये जो 1 एटमॉस्फेयर वाली लाइन है वो सॉल्वेंट को इस वाले पॉइंट पे कट कर रहा है और यहाँ सॉल्यूशन वाले को यहाँ पे कट कर रहा है। तो चलिए भैया इस वाले पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, इस वाले पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर है वो कितना है, वो 1 एटमॉस्फेयर है। जब हम ये ग्राफ बना रहे हों, उस ग्राफ बनाने के वक्त पर अगर आपका एक्सटर्नल प्रेशर, आपके इन्वायरमेंट का प्रेशर भी 1 एटमॉस्फेयर हो, तो ये जो पॉइंट है जब उसको आप टेम्परेचर की तरफ लेके जाएंगे तो वो जो है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बताएगा। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड का जो प्रेशर है, लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है, वो 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ वाला जो टेम्परेचर है जिसको हमने यहाँ पर TB नॉट लिख रखा है, ये जो है सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है। सिमिलरली जब हमने इस लाइन को और आगे बढ़ाया तो वो जाके सॉल्यूशन के पॉइंट को यहाँ कट करता है। इससे रिलेटेड जो यहाँ पे आपको टेम्परेचर दिख रहा है, ये वाला टेम्परेचर जो है इसको हमने TB से डिनोट कर रखा है। ये जो हमारा TB टेम्परेचर है, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अब आपके मन में होगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, तो देखो भैया, इस टेम्परेचर पर ये जो पॉइंट हमें मिला है, ये पॉइंट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड है। और हमने बॉइलिंग पॉइंट के अंदर देखा था कि बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जब हमारा वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, और इस समय सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर वो कितना है, 1 एटमॉस्फेयर। तो निश्चित रूप से ये जो टेम्परेचर होगा, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो टीबी की वैल्यू है वो ज़्यादा है टीबी नॉट से। कहने का मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट के। अगर मैं टीबी में से टीबी नॉट घटा दूं तो क्या मिल जाएगा हमें, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट मिल जाएगा। वो क्या है, डेल्टा टीबी से डिनोट किया जा रहा है। तो जो यहाँ पे आपको ये गैप दिख रहा है, ये गैप जो है डेल्टा टीबी को डिनोट करता है, मतलब कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है, या आप इसी को कह लो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को डिनोट करता है। क्योंकि यहां पर जब आप सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तब वहां पे आपको बढ़ा हुआ बॉइलिंग पॉइंट मिलता है। अब आपसे मैं कुछ कंडीशंस एज्यूम करने के लिए बोलूंगा, वो आप ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। मान लीजिए कि हमारा जो ये प्योर सॉल्वेंट है, जब हम उसके अंदर 1 चम्मच जो है पाउडर शुगर डालते हैं तो वो एक सॉल्यूशन बना देता है, और वो जो सॉल्यूशन बनता है उसका ग्राफ हमें देखिए ये मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसी प्योर सॉल्वेंट में अब की बार 2 चम्मच जो है शुगर डाल दें तो बताइए कौन सा ग्राफ यहाँ पे आपको मिलेगा। तब आपको जो ग्राफ मिलेगा वो इस वाले ग्राफ के भी नीचे होगा। क्यों होगा भैया ऐसा, क्योंकि आप जितना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मिलाते जाएंगे, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता जाएगा। इस बात को इस तरह की समझिए कि देखो भाई, ये वाला जो पॉइंट होगा उससे रिलेटेड जो यहाँ पे टेम्परेचर होगा, ये वाला टेम्परेचर किसको बता रहा होगा, अब की बार बने हुए सॉल्यूशन को बता रहा होगा, जिसमें कि हमने सॉल्यूट कितना डाला है, 2 चम्मच डाला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर आपसे बोलूँ कि जो आपका सॉल्वेंट था
और जिस सॉल्वेंट के अंदर हमने 2 चम्मच चीनी डाल करके सॉल्यूशन बनाया है उसके बीच में चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, तो शायद आपका जवाब होगा कि देखो इतना होगा। और ये जो आप चेंज देख रहे हो वो चेंज ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू इस वाले चेंज के। तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि जो चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है किस पर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर। अरे भाई पहले हमने 1 चम्मच मिलाया तब हमें सिर्फ इतना गैप मिला, जब हमने 2 चम्मच मिलाया तब हमें इतना गैप मिल गया था। तो यहाँ पे कहने का यह मतलब हुआ कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होती है। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के प्रोपोर्शनल होती है। इसी को हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, क्योंकि मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन क्या बताता है, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट बताता है। तो इस तरीके से हमें एक चीज मिली, डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। तो देखो भैया जब आप यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे मिल रहा होगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। क्या बोल रहा हूँ मैं, के बी इंटू एम। तो इस फॉर्मूले को आप याद कर लीजिए, इसको हम आगे यूज करने वाले हैं कि डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। तो शायद आपके मन में एक सवाल हो कि सर अभी आपने तो ये प्रूफ ही नहीं किया कि एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अरे मेरे बुद्धू भैया, ये समझो कि जो हमारा डेल्टा टी बी है वो अभी मैंने क्या बताया, वो किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल है। अगर ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल है तो इसको हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बोलेंगे ना, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहाँ से हमें मिलता है कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अक्सर आपको क्लास में ये सब नहीं पढ़ाया जाता, आपको ये प्रूफ वगैरह नहीं दिया जाता कि जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जस्ट रटवा दिया जाता है। तो ये रट्टा मार लो, इससे आपका सवाल हो जाए। तो चलिए इस पेज पर जो लिखा गया है उसको पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि इफ टी बी नॉट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड टी बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, देन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू टी बी माइनस टी बी नॉट। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें डेल्टा टी बी की वैल्यू मिली है वो मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है। अगर मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल है और साइन को हम हटाएं तो हमें मिलेगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यहाँ पर देखो भैया, जो ये के बी मिला है ना, इसका थोड़ा अजीब सा नाम होगा, इसको याद करने की आप कोशिश करना। के बी का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट। ये जो बी है ना, ये बॉइलिंग पॉइंट को बता रहा है, और क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन होता है इस तरीके से इसका नाम बनेगा बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कॉन्स्टेंट, या इसी को मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, मोलल एलिवेशन कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं। यहाँ पर जो ये एम लिखा गया है, ये वाला जो एम है ये मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूट है किसी सॉल्यूशन के अंदर। इसके बारे में देखिए पूछा गया था सीबीएसई 2012 में। अब हमें चर्चा करनी है यूनिट पर। तो देखो भैया, जो एम होता है मतलब कि मोलैलिटी होता है, उसको हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तो ऊपर क्या मिलेगा, मोल मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा, किलोग्राम। तो मोल बाई केजी क्या मिल जाता है, यूनिट ऑफ मोलैलिटी मिल जाता है। इस मोलैलिटी का हमें यूनिट मिला क्या, मोल पर केजी। और डेल्टा टी बी का क्या होगा भाई, टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर के लिए क्या लिखोगे आप, केल्विन लिखोगे। तो इस तरीके से के बी का जो यूनिट होगा वो हमें मिलेगा केल्विन इंटू किलोग्राम इंटू मोल इनवर्स। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझ सकते हैं, याद करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है इस वाले यूनिट को। अब हमें जो ये वाला फॉर्मूला है इसको और ज़्यादा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम इस मोलैलिटी की कुछ वैल्यूज यहाँ पे रखने वाले हैं। लिखा गया है कि इफ़ W2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट ऑफ द मोलर मास M2 इज डिजॉल्व्ड इन W1 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, देन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू। देखो क्या लिखोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो बताइए सॉल्यूट का यहाँ पे वेट कितना है, वो है W। मॉलिकुलर वेट कितना है, M2 है। तो ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, लिखेंगे W1 जो कि आपको ग्राम में दिया जाए। ठीक है, अगर इसको हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम में हो जाएगा। और यही चीज़ हमें लिखना था, क्या लिखना था,
मास ऑफ द सॉल्वेंट नीचे की तरफ लिखना था। तो इस तरीके से हमें m की वैल्यू मिल जाएगी और हम इस वाले m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें तो हमें ये मिल जाता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ चुकी होगी। अक्सर आपसे क्वेश्चन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा जाता है। अगर आपसे मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट पूछा जाए तो यहाँ से आप m2 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। वही चीज़ यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि m2 इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाई w2 इंटू के बी डिवाइड बाई डेल्टा टी बी इंटू w1। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, जो फॉर्मूला हमने अभी तक देखा, उस पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंक्रीट हो जाए। यहाँ पर लिखा गया है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जहाँ पे दिया गया है आगे मोलर मास का कितना है 180 ग्राम मोल इनवर्स है, और उस ग्लूकोज को 1 किलोग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व किया गया। आपसे पूछा जा रहा है बताइए कि किस टेम्परेचर पर ये सॉल्यूशन बॉयल होगा। कहने का मतलब आपको पूछा गया है टीबी की वैल्यू, आपको यहाँ पे बताना है कि आपके सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा। अगर वहाँ पर केबी की वैल्यू इतनी है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इतना है, कहने का मतलब यहाँ पर टी बी नॉट की वैल्यू यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हमने देखिए लिख रखा है W1 वन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम को आप क्या लिखोगे 1000 ग्राम लिखोगे, और टी बी नॉट की वैल्यू क्या होती है भैया यहाँ पे ये देखो दिया गया है। ओके भाई, W2 की वैल्यू इतना है, W2 क्या था वेट ऑफ द सॉल्यूट, और सॉल्यूट क्या है इस समय ग्लूकोज है, तो यहाँ पर दिया गया 18 ग्राम। ठीक है, KB की वैल्यू हमने यहाँ से छाप लिया आगे की तरफ। ठीक है, M2 की वैल्यू जो है हमने यहाँ से लिख रखा है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M, जहाँ पे आपको ये M दिया गया है, जब आप उसकी वैल्यू रखोगे तो आपको मिलेगा KB इंटू 1000 इंटू W2 डिवाइड बाई M2 इंटू W1। अब आप क्या करिए, सारी वैल्यूज़ को ऊपर से उठाइए और पुट कर दीजिए, तब आपको मिलेगा डेल्टा TB की वैल्यू इतना। अगर यहाँ पर आपको कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मिले तो आप इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये गुणा भाग छोटी मोटी चीज़ें आती होंगी। ठीक है, अब देखो हमें डेल्टा TB की वैल्यू मिल चुकी है। डेल्टा TB को हम क्या लिखते थे, TB माइनस TB नॉट लिखते थे। हमें TB नॉट की वैल्यू पता है, डेल्टा TB की वैल्यू पता है, हम TB की वैल्यू निकाल ले जाएंगे तो हमें मिलेगा देखो TB की वैल्यू इतना। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो। ये क्वेश्चन आया हुआ था दिल्ली 2013 के एग्जाम में 2 नंबर का। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे लिख रखा है कि ए सॉल्यूशन ऑफ ग्लिसरॉल इन वाटर वाज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग सम ग्लिसरॉल इन 500 ग्राम ऑफ द वाटर। और यहाँ पर दिया गया है कि इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100.42 सेल्सियस है। ठीक है, आगे लिखा गया है व्हाट मास ऑफ द ग्लिसरॉल वाज डिसॉल्व्ड टू मेक दिस सॉल्यूशन। आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताइए कितना मास ग्लिसरॉल का डिसॉल्व करके आपने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिसका कि बॉइलिंग पॉइंट इतना आता है, और वहां पर आपको के बी ऑफ द वाटर दिया गया है। तो चलिए पहले सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। एम टू की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 92 ग्राम पर मोल होगी। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 92 ग्राम पर मोल। यहाँ पर देखो भैया डब्ल्यू वन की वैल्यू क्या है, 500 ग्राम। ये कहाँ से आया, ये था इतना वाटर। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या करना है, W2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो पहले भैया हम निकालते हैं डेल्टा TB की वैल्यू। डेल्टा TB में हम क्या लिखते हैं, TB माइनस TB नॉट लिखते हैं। जो ये TB है उसकी वैल्यू तो उन्होंने दे रखी है, TB नॉट कितना होगा, वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पर वाटर एज ए सॉल्वेंट है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस तरीके से हमें मिल रहा होगा डेल्टा TB की वैल्यू इतना, वो क्या है 0.42 केल्विन। ओके भाई, और यहाँ पर हमें KB की वैल्यू यहाँ पे दी गई है, और देखिए हमें पता है कि डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या होता है, KB इंटू M होता है। जब हम M की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे इस वाले फॉर्मूले के हिसाब से, तब हमें कैलकुलेशन के बाद W2 की इतनी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूँ, यहाँ पर बस मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, इस वजह से मैंने बस यहाँ पर फॉर्मूला लगाना सिखा दिया है। ये क्वेश्चन आया हुआ था CBSE 2012 के अंदर, दिल्ली 2012 में, 2010 में 3 नंबर का। इतना छोटा सा सिंपल सा सवाल आपको 3 नंबर दिला सकता है। अब तक हमने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ लिए हैं, अब हम 3rd कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, जो कि है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट।
यहां पर हम फ्रीजिंग पॉइंट के डिप्रेशन पर चर्चा करेंगे। देखो भैया, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट होता है उस पर जो है सॉलिड जो है लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में रहता है, ठीक है। ये बात तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट में क्या कर रहे हैं, हम फ्रीज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से लिक्विड और सॉलिड क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में होंगे। अब हमें फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन करना है वेपर प्रेशर के फॉर्म में, तो चलिए पहले उसका डेफिनेशन हम यहाँ पे देख लेते हैं। लिखा गया है कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सब्सटेंस इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। कहने का मतलब हुआ कि किसी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर जो है वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस जो कि लिक्विड फेज में है वो जो है वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज के बराबर होता है। तो इस तरीके से आप यहां कह सकते हो कि हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो भी जो है वेपर प्रेशर पर डिपेंड करता है। फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन को पढ़ने के बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट लाइन पर। इसके बारे में मैंने ऊपर बताया हुआ है कि जब किसी सॉल्वेंट के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तब उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जाता है, मतलब कि उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमें कम मिलता है। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू ए सॉल्वेंट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। यहाँ पर बोला जा रहा है क्योंकि हमारा जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है, इस वजह से हमारा फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है हमारे सॉल्यूशन का। अभी जो हमने पहले वाली लाइन बोली थी जिसमें मैंने बताया कि सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है, और अगर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का घटेगा तो निश्चित रूप से उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाएगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट किससे रिलेटेड है, वेपर प्रेशर से ही रिलेटेड है जो कि सॉल्वेंट का होता है। हमारे पास जो प्योर सॉल्वेंट है उसका मान लीजिए कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है TF0 है, और जो हमारा सॉल्यूशन मिला है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने के बाद उसका मान लीजिए फ्रीजिंग पॉइंट TF है, तो यहाँ पर क्या ऑर्डर आएगा, यहाँ पर TF0 की वैल्यू ज़्यादा आएगी विद रिस्पेक्ट टू TF के, मतलब कि हमारे सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम आएगा हमारे प्योर सॉल्वेंट से। ये क्यों हुआ भैया, क्योंकि यहाँ पर वेपर प्रेशर का ड्रॉप हो रहा है जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है सॉल्वेंट के अंदर मिला रहे हैं, तो अगर वेपर प्रेशर का ड्रॉप होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर हमें फ्रीजिंग पॉइंट का भी ड्रॉप मिलेगा। अभी हमने पढ़ा कि हमारा फ्रीजिंग पॉइंट घट रहा है, घट रहा मतलब क्या हो रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर मैं बोलूँ भैया कितना डिप्रेशन होगा तो आप लिखोगे डेल्टा TF, मतलब कि चेंज इन द टेम्परेचर, और टेम्परेचर किसको बता रहा है, इस समय फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहा है, तो चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF0 माइनस TF। शायद इतनी बात समझ में आई हो, चलिए अब आगे पढ़ते हैं, इसको ग्राफ के माध्यम से और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो भैया देखो ये है हमारा ग्राफ, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। इसमें देखो सॉल्वेंट वाली लाइन तो हमें समझ में आ रही है कि चलो ये सॉल्वेंट की लाइन है, और उस सॉल्वेंट की लाइन के नीचे कौन होगा, सॉल्यूशन की लाइन होगी। ये सॉल्यूशन की लाइन जो है सॉल्वेंट की लाइन के नीचे क्यों है, क्योंकि हमने सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तब हमें वहां पर वेपर प्रेशर का ड्रॉप मिलता है, और जब वेपर प्रेशर कम होगा तो यहाँ पे हमें ये वाली लाइन मिल रही है किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। तो चलिए अब इस वाले ग्राफ पर चर्चा कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा बताइए, वेपर प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि हमारा सॉलिड जो है अभी डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ध्यान देना यहाँ पर मैं अभी फ्रीजिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिर्फ ये कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझें कि ये वाला ग्राफ कहाँ से आया है। जब हम सॉलिड को हीट करके वेपर में कन्वर्ट कराएंगे तो निश्चित रूप से वहाँ पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा और हमें ये वाला ग्राफ मिल जाएगा। अब मैं आपको फ्रीजिंग पॉइंट समझाने वाला हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट हम कैसे निकालेंगे इस ग्राफ के अंदर। देखो भैया जो हमारा सॉल्वेंट है वो ग्राफ तो ये है, जो हमारा सॉलिड है उसका ग्राफ ये है। जब हमारा ये लिक्विड जो है सॉलिड के साथ मिलेगा तभी जो है यहाँ पर फ्रीजिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट आएगा। तो यहाँ पर आपको ये एक पॉइंट मिल रहा है जिस पर
लिक्विड और सॉलिड दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं। अगर दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं तो इसके नीचे जो आपको यहाँ पे ये वाला टेम्परेचर दिख रहा है, ये टेम्परेचर TF0, ये क्या बता रहा है, ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बता रहा है। क्योंकि इस वाले पॉइंट पर क्या हो रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट पे। तो देखो भैया, ये वाला सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है सॉलिड को, वो यहाँ पर मिल रहा है। कहने का मतलब हुआ कि इस पॉइंट पर सॉलिड और सॉल्यूशन ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। सॉल्यूशन मतलब कि लिक्विड, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में हैं, तो निश्चित रूप से इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो नीचे आपको यहाँ पे टेम्परेचर मिलेगा, ये टेम्परेचर जो है फ्रीजिंग पॉइंट होगा इस सॉल्यूशन का। आई होप आपको समझ में आया हो कि यहाँ पर जो हमने TF लिखा है ये जो है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, और यहाँ पर जो ये TF0 लिखा है ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है। और अगर हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, कहने का मतलब हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा TF0 जो है कम हो करके TF बन रहा है, तो यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, डेल्टा TF के बराबर आएगा। और यहाँ पर जो डेल्टा TF की वैल्यू होगी वो क्या लिखी जाएगी, TF0 - TF लिखी जाएगी। अब मैं आपको एक कंडीशन एज्यूम करने को बोलूंगा कि देखो भैया, मान लो हमारे पास एक सॉल्वेंट है, ठीक है, इस सॉल्वेंट के अंदर हमने जब 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया था, तो इस 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिलाने के बाद हमें जो सॉल्यूशन मिला, उस सॉल्यूशन का ये ग्राफ आता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप यहां पे ये एज्यूम करिए कि हमने इसके अंदर जो है 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया है, तो आप बताइए यहां पर हमें सॉल्यूशन का अब कौन सा ग्राफ मिलेगा। शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाले सॉल्यूशन की लाइन के नीचे एक दूसरा ग्राफ मिल रहा होगा। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा कि जब हमने 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तब तो थोड़ी सा यहाँ पे वेपर प्रेशर का ड्रॉप मिलेगा, लेकिन जब हम उसमें 2 ग्राम मिलाएंगे तो हमें थोड़ा ज़्यादा ड्रॉप देखने को मिलेगा इन वेपर प्रेशर। अगर मान लो वेपर प्रेशर घट रहा है तो निश्चित रूप से वो इस वाले ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है भैया, हमें ये समझ में आ गया कि हमारा ग्राफ क्या होगा, वो इस सॉल्यूशन ग्राफ के नीचे होगा जब हमने सॉल्वेंट के अंदर 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया। तो अब बताओ, अभी जो मैंने ये लाइन बनाई है, इस लाइन का फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर इसके नीचे जाइए, यहाँ पर जो टेम्परेचर मिलेगा वही यहाँ के फ्रीजिंग पॉइंट को, इस सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट को बता रहा होगा। ओके भाई, ये बात भी समझ में आ गई। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो पहले सॉल्वेंट था और जो अब की बार हमने सॉल्यूशन बनाया है, उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कैसे दिखाओगे, तो आप कहोगे है ना आसान, आप क्या करिए ये वाली लाइन यहाँ पे बना दीजिए। अब आप फोकस करिए इस बनी हुई लाइन और इस लाइन के ऊपर, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस वाली लाइन की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, मतलब कि अब की बार डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा जब हमारे सॉल्यूशन के अंदर 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट होगा, विद रिस्पेक्ट टू एक ऐसे सॉल्यूशन के जहां पर सिर्फ 1 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट है। तो यहां पर कहने का मतलब हुआ कि जो यहां पे चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल रहा है, मतलब कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिल रहा है, ये जो है प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। क्योंकि जब हम 1 ग्राम मिलाते हैं तब हमें थोड़ा सा ड्रॉप मिलता है वेपर प्रेशर में, और जब हम 2 ग्राम मिलाएंगे तो और ज्यादा वेपर प्रेशर ड्रॉप करेगा, और जितना ज्यादा वेपर प्रेशर ड्रॉप करेगा फ्रीजिंग पॉइंट हमें उतना कम मिलता जाएगा। शायद यहां पर आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी कि डेल्टा TF और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स जो हैं वो दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। और अगर ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं तो निश्चित रूप से हम ये कहने वाले हैं कि जो हमारा डेल्टा TF है वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि वो नंबर पर डिपेंड करती है। किस नंबर पर, सॉल्यूट के नंबर पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। अभी जो हमने ये पढ़ा कि डेल्टा TF जो है वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के, तो हम ये कह सकते हैं वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के।
इसका मतलब कंसंट्रेशन के टर्म में हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी, और ये मोलैलिटी किसकी है, सॉल्यूशन की मोलैलिटी है। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा, देखो भैया ये जो कि है डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, क्योंकि हमने क्या किया, इस प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाया, तो हमें यहाँ पे मिलेगा एक कॉन्स्टेंट जो कि क्या है, के एफ है। अब बात करते हैं कि इस के एफ का नाम क्या है। इस के एफ को बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको बोला जाएगा मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोला जाता है। एक्चुअली जो यहाँ पे क्रायोस्कोपिक शब्द लिखा है ना, ये यूज किया जाता है जब हम बहुत छोटे छोटे चीज़ों पर स्टडी करते हैं, मॉलिकुलर लेवल पर जाके स्टडी करते हैं, तब उनके लिए एक शब्द यूज होता है क्रायोस्कोपिक। ओके भैया, हमें समझ में आ गया कि हमारे पास अब एक ये फॉर्मूला आ चुका है। ठीक है, हमने क्या किया, अगले में m की वैल्यू पुट कर दी, तो हमें ये भारी भरकम सा एक फॉर्मूला मिल जाता है। तो भैया हमें जितना ज्ञान प्राप्त हुआ ना इस वाले टॉपिक को पढ़ के, चलिए उसको लगा करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। लिखा गया है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ द ग्लूकोज, यहाँ पे मोलर मास मेंशन कर रखा है, इन 250 ग्राम ऑफ द वाटर, और दिया गया है के एफ ऑफ द वाटर इज दिस। यहाँ पर मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि जो के एफ होता है और जो के बी होता है, ये डिफाइन किया जाता है सॉल्वेंट के लिए। तो याद रखना कि ये जो है सॉल्वेंट के लिए डिफाइन किए जाते हैं। अगर आप सॉल्वेंट बदलेंगे तो वहां पर के एफ और के बी की वैल्यू बदल जाएगी। अगर आप सॉल्वेंट को सेम रखेंगे तो वहां पे के एफ और के बी की वैल्यू आपको सेम मिलेगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको यूज करने वाले हैं। देखो भैया, जो ये क्वेश्चन आया है ना, ये आया हुआ था दिल्ली 2018 में, 2 नंबर का, बहुत ही आसान सी बात है। देखो W2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 60 ग्राम, क्योंकि ये क्या है, सॉल्यूट का वेट है। अगले में दिया गया है M2, मतलब कि ये क्या है, सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास है, जो कि है 180 ग्राम पर मोल। W1 की वैल्यू है 250 ग्राम, ये सॉल्वेंट का वेट है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाई M2, फिर हो जाएगा 1000 डिवाइड बाई W1। जब हमने सारी वैल्यूज पुट की तो हमें M की वैल्यू मिलती है 1.33। तो इस तरीके से हमें क्या मिल गया भैया, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन मिल चुका है। अब हम लिखेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। देखो भैया, के एफ की वैल्यू हमें दी गई है, कहाँ दिया गया, ये दिया गया, इसको हमने यहाँ पे पुट किया, मल्टीप्लाई किया एम से जो कि है 1.33, तो हमें मिलेगा 2.47 के। ठीक है भाई, हमें ये क्या मिला है, डेल्टा टी एफ की वैल्यू मिली है। अब आप बताइए डेल्टा टी एफ को हम क्या लिखते थे, हम लिखते थे टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो इसके बराबर क्या लिखेंगे अब, 2.47 केल्विन लिखेंगे। इसमें कोई समस्या नहीं है भाई, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, हमें पता होता है कि हमारे प्योर वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप इसको और ज़्यादा इज्जत से लिखेंगे केल्विन में तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। तो आप क्या करिए, यहाँ पे टी एफ नॉट की जो वैल्यू दी गई है उसको यहाँ पर ला करके पुट कर दीजिए, तो आपको इस तरीके से टी एफ मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी 270.68 केल्विन। अब आते हैं भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ द कंपाउंड, जहाँ पे मोलर मास इतना है, टू बी डिसॉल्वड इन 75 ग्राम ऑफ द बेंजीन टू लोअर इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.48 केल्विन। कहने का मतलब हमें डेल्टा टी एफ की वैल्यू दी गई है 0.48 केल्विन, एंड के एफ की वैल्यू दी गई है इतना, और यहाँ पे 75 ग्राम क्या है, यहाँ पे W1 मतलब कि यहाँ पे सॉल्वेंट का वेट दिया गया है। ठीक है भैया, M2 की वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 256 ग्राम पर मोल, यहाँ पे देखिएगा लिखा गया है ना सॉल्यूट का मोलर मास लिखा गया है। ओके भाई, और हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है मास ऑफ द कंपाउंड, मतलब कि सॉल्यूट का वेट निकालना है, वो कितना था, वो W2 था, जो कि हमें कैलकुलेट करना होगा। तो देखो भैया डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या लिखा जाता है, के एफ इंटू एम। जब हम m की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। हमने सारी वैल्यूज पुट की और W2 की वैल्यू कैलकुलेट की, जो कि मिलता है 1.8 ग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। लिखा गया है ए 10% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ द सुक्रोज इन द वाटर हैज फ्रीजिंग पॉइंट दिस, कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 10% ग्लूकोज इन द वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर वाटर इज दिस। और आगे आपको कुछ कहानियाँ दी गई हैं जो यूज करनी पड़ेंगी कैलकुलेशन करते वक्त। ये पूछा गया था दिल्ली 2017 में, 3 नंबर का, और ये जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर लायक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन
करना पड़ेगा। तो देखो भैया, पहले हम सुक्रोज की बात कर लेते हैं, ठीक है। सुक्रोज के लिए लिखा गया है कि ये 10% सॉल्यूशन है। अगर 10% सॉल्यूशन है, बाई मास कहने का मतलब हुआ कि हमारे पास अगर 10 ग्राम सुक्रोज होगा वहाँ पे, तो वहाँ पे टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा। अगर टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन होगा तो वहाँ पे वाटर कितना होगा, वाटर वहाँ पे 90 ग्राम होगा। मतलब कि W1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 ग्राम आ जाएगी। आपको M2 की वैल्यू दी गई है 242 ग्राम पर मोल, मतलब कि सुक्रोज का आपको यहाँ पे मोलर मास दिया गया है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करने वाले हैं मोलरिटी ऑफ द सुक्रोज सॉल्यूशन, जो कि होगा M, और M इज इक्वल टू होगा W2 डिवाइड बाई M2, और उसको हम डिवाइड कर रहे होंगे W1 डिवाइड बाई 1000 से। ओके भैया, हमने W2 की वैल्यू रख दिया है 10, M2 की वैल्यू रख दिया है 342, फिर हमने यहाँ पे W1 की वैल्यू रख दिया है 90। तो इसको कैलकुलेशन के बाद हमें मिल रहा होगा M की वैल्यू इतना, ठीक है भाई। हमारे पास अब M की वैल्यू है, मोलैलिटी की वैल्यू है, किसके सॉल्यूशन के, इस सुक्रोज सॉल्यूशन के। अब हम लगाएंगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M, लेकिन उससे पहले हम कैलकुलेट कर लें कि डेल्टा TF की वैल्यू कितनी होगी। डेल्टा TF को हम लिख सकते हैं TF नॉट माइनस TF, और वाटर के लिए जो TF नॉट की वैल्यू होती है वो होती है 273.15 केल्विन, एंड TF की जो वैल्यू दी गई है वो है इतना। जब हम ये वैल्यू से कैलकुलेट करेंगे तो हमें मिलेगा 4 केल्विन। तो इस तरीके से हमारे पास अब डेल्टा TF की वैल्यू है और हमारे पास M की वैल्यू है, तो हम यहाँ से KF की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होगा डेल्टा TF डिवाइड बाई M। हमने यहाँ पे देखिएगा 4 केल्विन रख दिया है, क्या डेल्टा TF की वैल्यू, M की वैल्यू यहाँ से लाके यहाँ नीचे पुट कर दिया है। तो इस तरीके से हमें KF की वैल्यू ये मिल जाती है। ऊपर जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो ये KF होता है ये सॉल्वेंट से रिलेटेड होता है, तो आप ये कहोगे ये KF किसके लिए है, ये वाटर का KF वैल्यू है। अब हम चर्चा करेंगे ग्लूकोज के सॉल्यूशन की। कहने का मतलब हमारे पास सॉल्वेंट इस समय है वाटर, और उसके अंदर हमने डाल रखा है ग्लूकोज, और हमें वाटर का KF वैल्यू मिल चुका है। ओके भाई, कोई बात नहीं, हमें KF की वैल्यू मतलब फाइनली पता है इसमें यूज होने वाले सॉल्वेंट से रिलेटेड। यहाँ पर दिया गया है 10% ग्लूकोज बनाना है। भैया 10% का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 10 ग्राम ग्लूकोज होगा तो वहाँ पे 90 ग्राम वाटर होगा, और हमारे ग्लूकोज का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है, 180 ग्राम पर मोल होता है। तो इस तरीके से हमने मोलैलिटी की वैल्यू कैलकुलेट की, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। जब हमने ये कैलकुलेट किया तो हमें M की वैल्यू मिल जाएगी इतनी। अब हमारे पास KF की वैल्यू है जो कि ये लिखी गई है, और हमारे पास M की वैल्यू है। इन दोनों को यूज करके हम डेल्टा TF की वैल्यू निकालेंगे। जब हम डेल्टा TF की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो हमें मिलेगा इतना, कितना मिल रहा है, 7.617 केल्विन हमें मिल रहा है। और जो हमारा डेल्टा TF होता है ये होता क्या है भैया, TF नॉट माइनस TF होता है। TF नॉट की वैल्यू हमें पता होती है 0 डिग्री सेल्सियस होते हैं, क्योंकि वाटर का ही तो हमें यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट रखना होगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस को हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो वो हो गया 273.15, और आपको यहाँ पर दिया गया था डेल्टा TF की वैल्यू। जब हमने यहाँ पे पुट किया तो हमें कैलकुलेट करने के बाद मिलेगा TF की वैल्यू, मतलब कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज, जो कि होगा 265.53 केल्विन। इन सबको अच्छे से कैलकुलेट करिएगा, और अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक मिले तो उसको पचा जाइए कि हाँ कैलकुलेशंस में मिस्टेक हो सकती हैं। अब मैं आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के अंदर की फोर्थ प्रॉपर्टी को पढ़ाने वाला हूँ, जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के लिए हमें एक प्रोसेस समझना होता है जिसका नाम होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को समझाने के लिए हमने देखिए यहाँ पर बहुत अच्छा सा एक PPT बनाया है, जिससे आपकी खोपड़ी में ये कॉन्सेप्ट आराम से उतर जाए। ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम डिफ्यूजन को थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि डिफ्यूजन से फिर रिलेट करके हम ऑस्मोसिस आपको समझा देंगे। डिफ्यूजन को समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ एक ऐसे चैम्बर का जिसमें दो पार्ट है, एक तरफ ए है एक तरफ बी है, और इनके बीच में एक होल है। हमने क्या किया, इस बी वाले चैम्बर के अंदर परफ्यूम मार दिया, ठीक है। फिर परफ्यूम के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, डिफ्यूज होकर के ए के अंदर आएंगे, और अगर ए के अंदर कोई चीज़ ऐसी प्रेजेंट होगी जिसके अंदर महक वगैरह होगी तो वो वाली चीज़ हम यहाँ पर भी फील कर सकते हैं। वैसे तो ए के पार्टिकल्स बी कहाँ आएंगे, बी के अंदर आएंगे, और बी के पार्टिकल्स भी ए के अंदर जाएंगे।
अगर आपने परफ्यूम बी के अंदर मारा है तो वो वाला परफ्यूम जो है ए के अंदर भी हमें महसूस होगा, हमें उसकी सुगंध मिलेगी। ऐसा क्यों हो पाया? ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल जो हैं डिफ्यूज़न करते हैं, वो क्या करते हैं अपनी जगह छोड़ करके किसी दूसरी जगह पे जाते हैं जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन कम होती है। ध्यान सुनना क्या बोल रहा हूँ, कि वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो ये था डिफ्यूज़न। अब हम बात करेंगे ऑस्मोसिस ऑफ लिक्विड्स पे। तो इसको समझाने के लिए हमने यहाँ पर एक बीकर ले रखा है और उस बीकर के बीच में हमने क्या लगा दिया है, इस तरीके से एक पर्दा लगा दिया। क्या लगा दिया? एक पर्दा लगा दिया, एक जुगाड़ लगा दिया। उस जुगाड़ से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही पास कर सकते हैं। यहाँ के इस वाले पर्दे से कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल जो है ना तो इधर जा सकता, ना तो इधर का कोई सॉल्यूट पार्टिकल इधर आ सकता। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट जो है इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे। इतनी बात समझ में आई? इसी जुगाड़ का, इसी पर्दे का नाम होता है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। कहने का मतलब एक ऐसा मेम्ब्रेन जो कुछ लोगों को तो जाने देता है लेकिन कुछ लोगों को जाने नहीं देता है, रोक देता है। और यहाँ पर हमने एक ऐसा मेम्ब्रेन यूज किया है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को जाने देगा लेकिन सॉल्यूट के पार्टिकल्स को नहीं जाने देगा। हमें यहाँ पे जो ये बीकर दिख रहा है उसमें आपको दो पार्ट दिखेगा। एक तरफ देखिए, मान लीजिए ये ए है तो ये क्या होगा? बी होगा, क्योंकि हमने बीच में क्या लगा रखा है? एक ये वाला मेम्ब्रेन लगा रखा है। ओके भैया, अभी हमने यहाँ पर ए और बी दोनों साइड पे सेम लिक्विड के लेवल को रखा हुआ है, ठीक है भाई। जो ए का साइड है उधर हमने लो कंसंट्रेशन रखा है, किसका? सॉल्यूट का। मतलब हमने अपने सॉल्यूशन का लो कंसंट्रेशन इधर रखा हुआ है, जबकि बी के साइड में हमने हाई कंसंट्रेशन रखा हुआ है। देखो इस बी वाले साइड पे ये ब्लू वाले बॉल्स आपको ज्यादा दिखेंगे, मतलब ये बॉल्स किसको बता रहे हैं? पार्टिकल्स को बता रहे हैं। किसके पार्टिकल्स को बता रहे हैं? ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स को बता रहे हैं। तो आपको इस साइड जो है ज्यादा सॉल्यूट के पार्टिकल्स दिख रहे हैं, इस वजह से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? हाई कंसंट्रेशन है। कहने का मतलब हुआ कि जो ये C2 है उसकी वैल्यू ज्यादा है C1 से, क्योंकि जो C1 है वो तो लो कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। वो जो है इस ए वाले चैम्बर के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो भैया, जैसे ही आप ये सिस्टम लेते हो हमें एक यहाँ पे जादू देखने को मिलता है। वो जादू क्या होता है कि धीरे धीरे इस बी वाले का लेवल उठने लग जाता है और इस ए वाले साइड का जो लेवल है वो गिरने लग जाता है। ऐसा क्या हो रहा है यहाँ पे, इसी को हमें यहाँ पे पढ़ना है। और ये जो प्रोसेस हो रही है ना, एक का लेवल बढ़ रहा है दूसरे का लेवल घट रहा है, ये होता है ऑस्मोसिस की वजह। तो चलिए देखते हैं ये क्यों हुआ। देखो भैया, हमारे नेचर में ना सब लोग क्या करना चाहते हैं? इक्वलाइज करना चाहते हैं। उनके सामने कोई ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला दिखेगा तो ए वाले को तकलीफ शुरू है कि भैया हमारी कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए? लो से हाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे ए वाला क्या करेगा? इस बी वाले को डाइल्यूट करना शुरू कर देगा। मतलब कि वो अपने अंदर का सॉल्वेंट जो है कहाँ भेज देगा? चैम्बर बी के अंदर भेज देगा। और अगर सॉल्वेंट ए से निकल करके बी के अंदर जाएगा तो बी के अंदर जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर ml थे वो घट जाएंगे। इसका मतलब वहां पर कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? घट जाएगी, क्योंकि वहां पे लगातार सॉल्वेंट्स आते जा रहे हैं। अगर लगातार सॉल्वेंट जो है a से b में आते जाएंगे तो कंसंट्रेशन c1 जो है वो c2 के बराबर हो जाता है। और जैसे ही ये दोनों कंसंट्रेशन बराबर होंगे ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट जो है वो रुक जाएगा, क्योंकि अब दोनों साइड जो है इक्वल कंसंट्रेशन हो चुकी है। और ये जो प्रोसेस हमने देखा जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट निकल करके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू दूसरे वाले चैम्बर, मतलब कि बी वाले चैम्बर में जा रहा था, इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। जिसके अंदर लो कंसंट्रेशन से चीज़ें कहाँ चल के जाती हैं? हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, लो कंसंट्रेशन से निकल करके कहाँ जाती हैं? हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती हैं। यहाँ पर यह बात थोड़ी सी आपको अटपटी लग रही होगी कि यार लो कंसंट्रेशन से चीज़ें हाई कंसंट्रेशन की तरफ जा रही हैं। हाँ, ये बात भाई सच है। अक्सर हम एक्चुअली पढ़ते हैं कि कोई भी चीज़ जो हाई से कहाँ जाती है? लो की तरफ जाती है। जैसे हम पढ़ते हैं
कि पानी कहाँ से जाता है, हाइट से नीचे की तरफ आता है, और हमारा जो हाई वोल्टेज होता है वो लो वोल्टेज की तरफ फ्लो करता है। तो इस तरीके से हमें आदत होती है हर बार कहाँ जाने की, हाई से लो की तरफ जाने की। लेकिन इस ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से आप हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में कन्वर्ट होते हैं, और वो इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि जब आपका सॉल्वेंट जो है यहाँ से निकल के यहाँ आता जाएगा, तब वहाँ पे जो C1 की वैल्यू होगी वो C2 के बराबर हो जाएगी, मतलब कि दोनों तरफ कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। और क्योंकि कोई भी सिस्टम या आपका नेचर आपसे यही चाहता है कि सारी चीज़ें क्या रहें, इक्वलाइज रहें, अच्छे तरीके से रहें। कई लोग ऐसे होंगे जिनकी खोपड़ी मारा होगा, क्या सर इधर का थोड़ा सा भी सॉल्वेंट इधर नहीं गया? तो जवाब है गया होगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं जा रहा है, गया होगा, निश्चित रूप से गया होगा, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है सॉल्वेंट को तो पास होने देगी, तो चैम्बर बी से थोड़ा मोड़ा सॉल्वेंट गया जरूर होगा, लेकिन जो नेट फ्लो होगा सॉल्वेंट का वो कहाँ होगा, ए से बी की तरफ होगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जो नेट फ्लो है वो कहाँ से कहाँ जा रहा है, लो सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। यहाँ तक शायद आपको बात समझ में आ गई होगी। अगली जो चीज़ पढ़ाने चल रहा हूँ उसमें आप कंफ्यूज मत होना, अगर आपको कंफ्यूजन लगे तो आप बस यहीं तक के कॉन्सेप्ट को अपनी खोपड़ी में रखना, ठीक है? इसके आगे वाले में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, इस वजह से मैं बताने से बच रहा था, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आपको बता ही दूं। देखो भाई, अक्सर हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, यही पढ़ते हैं, तो वहां पर हम ये सोचते हैं सॉल्यूशन के बारे में कि जहां पे नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और यहाँ पर जो ये लो कंसंट्रेशन और हाई कंसंट्रेशन लिखा गया है ये जो है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में लिखा गया है, नो डाउट सही है। लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपसे एक सवाल करूँ कि आप बताओ इस साइड जो है सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है या सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन कम है? सिर्फ सॉल्वेंट कह रहा हूँ मैं, यहाँ पे सॉल्यूट मेंशन नहीं कर रहा हूँ। आप बताइए इस साइड सॉल्वेंट ज़्यादा है या कम है? तो आपको जवाब मिलेगा कि हाँ भैया इधर सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है, ठीक है भाई यहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा है, लेकिन इस बी चैम्बर के अंदर जो है सॉल्वेंट कम होगा, क्या होगा, सॉल्वेंट कम होगा। इस साइड जो है सॉल्वेंट ज़्यादा है और इस साइड जो है सॉल्वेंट कम है, तो बताइए सॉल्वेंट का फ्लो कहाँ से कहाँ होना चाहिए? अरे यार निश्चित रूप से हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन से लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ ही होना चाहिए। ये तो आराम से समझ में आ रहा है ना कि भैया यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, ज़्यादा है। अगर ज़्यादा सॉल्वेंट इधर है तो क्या होगा, ज़्यादा सॉल्वेंट निकल कर के इस साइड आ जाएगा लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ। इस वजह से देखिए हमने लिख रखा है कि यहाँ पर हाई सॉल्वेंट कंसंट्रेशन जो है लो सॉल्वेंट कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। तो लो भैया मिल गया आपका कि हाई से लो की तरफ तो हम जा रहे हैं, लेकिन अब की बार हम सॉल्वेंट कंसंट्रेशन के टर्म में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। बस आप ये याद रखना कि जो यहाँ पे लो कंसंट्रेशन और यहाँ पे जो हाई कंसंट्रेशन लिखा गया है ये जो है सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में है, ये सॉल्यूट को कंसिडर करके लिखा गया है। आपको शायद हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर के बारे में पता होगा कि एक कॉलम में जब कोई लिक्विड भरा जाता है और उस लिक्विड की लेंथ जो है अगर वो मान लीजिए एच है, तो वहाँ पर एक हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लग रहा होगा इस वाले सरफेस पर जो कि होगा रो जी एच, जहाँ पे रो क्या है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये जो कॉलम है वो क्या कर रहा होगा, कुछ प्रेशर एग्जर्ट कर रहा होगा इसके ऊपर। क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि ये जो हाइड्रोस्टेटिक कॉलम बनाया है, मतलब कि यहाँ पर जो प्रेशर क्रिएट हो रहा एग्जर्ट हो रहा है इस वाले लेवल पर, क्या उस प्रेशर की वजह से अब ऑस्मोसिस रुक गया है? तो जवाब है हाँ। और वो प्रेशर कितना होगा भैया, पी इज इक्वल टू होगा रो जी एच। इस समय जो आप ये वाला प्रेशर देख रहे हो, ये जो हाइड्रोस्टेटिक कॉलम में जो आपको प्रेशर दिख रहा है, इसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो ध्यान रखना कि ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसा प्रेशर है जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया को, कार्यक्रम को रोक देता है, उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। तो चलिए अब लौटते हैं, इतना अच्छा लिख रखा है तो कुछ पढ़ करके ही बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि द प्रोसेस ऑफ द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ऑस्मोसिस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ फ्लो होता है, तो इस प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस कहते हैं।
देखो भैया इतनी बार पूछा जा चुका है, सीबीएसई के अलग ही मोहब्बत का दूसरा नाम है ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर, इसी वजह से वो देखो इतनी बार पूछ चुके हैं। चलिए अगली लाइन पर आ जाते हैं। लिखा गया है द हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर विच डेवलप्स ऑन द अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। निश्चित रूप से एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस होने की वजह से आया है उसको हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, जो मैंने पीछे भी बताया पी इज इक्वल टू रो जी एच। अगली लाइन भी पढ़ करके बता देता हूँ। लिखा गया है कि द प्रेशर विच जस्ट स्टॉप्स द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो भैया यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, दो चैम्बर हैं, ठीक है, दोनों चैम्बर में जनरली क्या लग रहे होंगे, पी एटमॉस्फियर लग रहे होंगे। यार किसी एटमॉस्फियर में रखा होगा तो वो क्या करेगा, उतना प्रेशर तो एग्जर्ट करेगा ही, ठीक है भैया। इस साइड हमने रखा था सॉल्वेंट और इस साइड क्या रखा था, सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ तो 100% क्या है, सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है। अगर यहाँ पर 100% सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन है, देखो भैया इस साइड जो है सिर्फ सॉल्वेंट है, तो निश्चित रूप से सॉल्वेंट कहाँ जाना चाहेगा, इस सॉल्यूशन के अंदर जाना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से वो कहाँ जाना चाहेगा, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट की तरफ जाना चाहेगा। या तो आप इसको इस तरीके से बोलिए कि इस सॉल्वेंट के अंदर जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट तो है ही नहीं। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट नहीं है तो आप ये कह लो कि जहां पे जीरो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट था वो कहां जा रहा है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की तरफ जा रहा है। एक एक वर्ड ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। यहां पे मैंने बोला कि हमारा सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा था, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन के साइड पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर पाई लगा दें जिससे कि ये वाला सॉल्वेंट जो कि यहां पर आ रहा था वो अब ना आए, तो उस प्रेशर को जिसकी वजह से ये सॉल्वेंट का फ्लो रुक गया है उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। अब मैं आपको यहां पर एक अलग कंडीशन एज्यूम करने को बोलूंगा। अब मैं आपसे ये कहने वाला हूं कि जो यहां पे आपने पढ़ा कि ये हाई कंसंट्रेशन है, अब इसको मैं और ज्यादा हाई करने वाला हूं। क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। कहने का मतलब अगर हम इसमें और सॉल्यूट डाल दें तो यहां पे क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, और अगर कंसंट्रेशन इस साइड बढ़ जाएगा सॉल्यूट का तो इधर से बहुत सारे सॉल्वेंट्स क्या होंगे, आएंगे इस वाले चैम्बर बी के अंदर, और अगर चैम्बर बी के अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट आएंगे तो यहाँ पर ये लेवल बढ़ता जाएगा, और ये लेवल मान लीजिए कि बढ़ करके यहाँ पहुँच चुका है तो हमें H की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इतनी मिल जाएगी। अगर हमें H की वैल्यू इतनी मिलेगी तो वहाँ पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। देखो भैया यहाँ पर हमने ये बताने की कोशिश की कि जब आप यहाँ पर सॉल्यूट के पार्टिकल्स बढ़ाते हो तब वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है, वो एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तभी तो वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड कर रहा है। एक्सपेरिमेंट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तब हमें मिलता है पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यहाँ पर जो आप ये आर और टी देख रहे हो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है किसी एक टेम्परेचर पर, और ये आर वही आर है जो आपने गैस लॉ के अंदर देखा था। यहाँ पर जो आपको ये सी दिया गया है वो किसको बता रहा है, मोलारिटी को बता रहा है। तो मोलारिटी को हम किस में लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम वी। ये वी जो है किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए, तो ये है इन लीटर, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर हम N2 की वैल्यू कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे W2 डिवाइड बाई M2, जहाँ पे W2 क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट है, और M2 क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट है। तो इस तरीके से हमें मिलेगा ये फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू दिस, और हम यहाँ से मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट निकाल सकते हैं, M2 की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर को जनरली यूज किया जाता है पॉलीमर्स के मॉलिकुलर मासेस को निकालने में। यही चीज यहाँ पे लिखी भी गई है कि देखो भैया ऑस्मोटिक प्रेशर यूज किया जाता है टू डिटरमाइन मोलर मासेस ऑफ द मैक्रो मॉलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स, और इसके बारे में पूछा गया था दिल्ली 2015 के कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में 2 नंबर का। आई होप आपको आनंद आया होगा ऑस्मोटिक प्रेशर को पढ़ करके।
अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उस पर बेस्ड यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, वो देख लीजिए। लिखा गया है एट 300 केल्विन 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, जिसका कि मोलर मास जो है 180 ग्राम पर मोल है, प्रेजेंट इन 1 लीटर एंड इट्स सॉल्यूशन हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर दिस। इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अनदर ग्लूकोज सॉल्यूशन इज दिस एट सेम टेम्परेचर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन। यहाँ पर देखो भैया दो सॉल्यूशन है, ठीक है। पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है 4.98 बार, मतलब कि आपको पाई 1 की वैल्यू दी गई है, और वहाँ पर दिया गया है कि सॉल्यूट जो है 36 ग्राम है, जब आपका वो जो वाटर है वो 1 लीटर है, और यहाँ मेंशन किया गया है कि इस ग्लूकोज का मोलर मास कितना है, 180 ग्राम है, ठीक है भैया। ये बात थी सॉल्यूशन 1 की। अब बात करते हैं सॉल्यूशन 2 की। उसके बारे में बताया गया कि जो पाई 2 की वैल्यू है वो कितनी है, 1.52 बार, मतलब कि यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है उस सॉल्यूशन का, तो ठीक है भैया पाई इक्वल टू CRT लगा करके हम यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ अदर सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे, निकालेंगे। इसके बारे में पूछा गया था CBSE 2011 के कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में, 3 नंबर का, बेहद आसान है। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले सॉल्यूशन के लिए हम लिखेंगे पाई 1 इज इक्वल टू C1 इंटू RT, दूसरे के लिए हम लिखेंगे पाई 2 इज इक्वल टू C2 इंटू RT। तो अगर हम कर दें पाई 2 डिवाइड बाई पाई 1 तो हमें क्या मिलेगा, C2 डिवाइड बाई C1 मिलेगा, क्योंकि RT और RT क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है भैया। अब हमें मिल चुका है ये एक इक्वेशन, इसमें हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमारे पास जो ये इक्वेशन आया है उस इक्वेशन में हम पाई 2 की वैल्यू रखेंगे जो कि है 1.52 बार, ऊपर की तरफ देखिए लिख रखा है। अब हम रखेंगे पाई 1 की वैल्यू, पाई 1 क्या आएगा, 4.98 आएगा, जो कि यहाँ पे देखिए दिया गया, कहाँ पे, यहाँ पे दिया गया, ओके भैया रख दिया। ऊपर हमने लिख दिया है C2, और यही चीज हमें यहाँ पे निकालनी है कि दूसरे वाले सॉल्यूशन के लिए कंसंट्रेशन कितना होगा। तो लिख दिया हमने C2 डिवाइड बाई C1, C1 की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो क्या करेंगे भैया, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई 1 लीटर लिखना पड़ेगा। आगे हमें C1 की वैल्यू निकालनी है, तो C1 की वैल्यू निकालने के लिए हम लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि ग्लूकोज, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे हमने लिया था 1 लीटर, ठीक है। तो 1 लीटर के लिए हम लिख देंगे वॉल्यूम 1 लीटर, ओके भैया। नंबर ऑफ मोल निकालना तो क्या करेंगे, वेट जो कि था 36 डिवाइड बाई 180 कर देंगे, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, डिवाइड बाई 1 लीटर करते ही हमें C1 की वैल्यू मिल गई। देखो भैया अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और C2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये अपना कार्यक्रम अपने घर पे कर लीजिएगा। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है ये सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस mg ऑफ जीन फ्रेगमेंट इन 35 ml ऑफ वाटर हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर दिस टॉर। देखिए आपको यहाँ पे टॉर में दिया जा रहा है, शायद आपको यहाँ पे पता हो कि 1 atmosphere इज इक्वल टू 760 torr होता है, या इसी को हम लिखते हैं 760 mm ऑफ HG। आगे लिखा जा रहा है एट 25 degree Celsius, assuming the gene fragment is non-electrolyte, determine its molar mass। यहाँ पर जो हमारा जीन फ्रेगमेंट है ये सॉल्यूट का काम करेगा, तो हमें इस सॉल्यूट का मोलर मास निकालना है, मतलब कि हमें M2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके बारे में पूछा गया था CBSE 2011 में, और पूछा गया था दिल्ली 2011 के एग्जामिनेशन में, 3 नंबर का। देखो भैया यहाँ पर पहले देखो कि W2 की वैल्यू कितनी है, W2 की वैल्यू दी गई है इतना mg, mg को लिखेंगे ग्राम में, तो हमें लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई 10^-3 ग्राम, ठीक है भैया। ये मिल गया हमें ग्राम में अपना जीन का, मतलब कि सॉल्यूट का वेट, ओके। वॉल्यूम कितना दिया गया है, 35 ml, 35 ml को जब आप लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 1000 से इस चीज़ को डिवाइड करेंगे, ओके भैया समझ में आ गया। हम लगाएंगे फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू CRT, सी की वैल्यू क्या होती है, W2 डिवाइड बाई M2, मतलब कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम, तो ये हो गया कंसंट्रेशन, इंटू RT, तो इस तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, पाई की वैल्यू मिल जाएगा। तो चलिए ठीक है, इस चीज़ को लगा करके हम देखते हैं, हमें यहाँ पे निकालना क्या है, हमें निकालना है M2 की वैल्यू, मतलब कि हमें यहाँ निकालना है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि जीन के मोलर मास के बारे में बताना है, तो हो जाएगा W2 इंटू RT डिवाइड बाई पाई इंटू V। W2 की हमने वैल्यू पुट कर दी, देखिए ये यहाँ पे, ओके। R से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि है एटमॉस्फेयर के अंदर, ध्यान देना यहाँ पर यूनिट के अंदर क्या होगा, एटमॉस्फेयर होगा, ओके भैया। मल्टीप्लाइड बाई 290
8 केल्विन। कई लोगों को ये नहीं पता होगा कि R इज इक्वल टू 0.082 कब लिखते हैं, जब जो है ना प्रेशर को हम एटमॉस्फेयर में लिखते हैं तब जाकर के R की ये वैल्यू लिखी जाती है। तो ध्यान देना कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर लिखना पड़ेगा जब आप प्रेशर मेंशन कर रहे होंगे। तो देखो भैया प्रेशर क्या था, प्रेशर मतलब यहाँ पे पाई, पाई यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो जो पाई की वैल्यू दी गई थी देखते हैं वो कितनी थी, वो दिया गया था 0.335 टॉर। अब ये है टॉर के अंदर, हम इसको अगर एटमॉस्फेयर के अंदर कन्वर्ट कराना चाहें तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर रहे होंगे 760 से, क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर के अंदर 760 टॉर होता है। तो इस तरीके से ये चीज़ कन्वर्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर में, ठीक है भैया। तो यहाँ पर हमने ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो है एटमॉस्फेयर में रख दिया है, इनटू वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम को हमने किस में निकाला है, लीटर में निकाला है। तो देखिएगा ये चीज़ हमने यहाँ पे लाके रख दिया, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तब हमें यहाँ पर जीन का मोलर मास मिल रहा होगा 1.417 × 10⁴ ग्राम पर मोल। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट खूबसूरत से स्लाइड पर, जिसके अंदर हमें आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताना है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताना है और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में बताना है। देखिए यहाँ पर ये चीज़ दो बार पूछी जा चुकी है, दिल्ली 2012 के अंदर भी पूछा जा चुका है और CBSE 2012, मतलब कि दोनों एग्जाम में पूछा जा चुका है CBSE वाले। ओके भैया, तो देखो यहाँ पर लिखा गया है आइसोटोनिक, जहाँ पर आइसो लिखा हो ना उसका मतलब सेम होता है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहने का मतलब होता है कि दो ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे उनको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहते हैं। तो मैंने जो अभी बोला उस पर थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि भैया अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन ए है, दूसरा सॉल्यूशन बी है, अगर इन दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होंगे तब हम इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा पाई ए इज इक्वल टू पाई बी। यहाँ पे क्या बताया गया भैया आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए, कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर जो होंगे वो सेम होंगे। लिखा गया है टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब हम चर्चा करेंगे हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस पे। मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है, ए है और एक दूसरा सॉल्यूशन बी है, ये मान लीजिए कि दूसरा सॉल्यूशन, ठीक है। इन दोनों में जो ए वाला है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी। ऐसा होने की कंडीशन में जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है उसको हम हाइपरटोनिक बोलते हैं और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसको हम हाइपोटोनिक बोलते हैं। हाइपर होने का मतलब क्या है, चीज़ का ज़्यादा होना। जैसे बोला जाए कि आप हाइपर हो गए हैं तो बोला जाता है ज़्यादा आप गुस्से में हैं, ठीक है। तो हाइपर शब्द का मतलब है ज़्यादा होना और हाइपो का मतलब होता है कम होना। यहाँ ये बात किसके रिस्पेक्ट में की जा रही है, ऑस्मोटिक प्रेशर के रिस्पेक्ट में बोली जा रही है। तो आप बोलोगे कि जिस सॉल्यूशन के लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा आता है उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन एक दूसरा सॉल्यूशन जिसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू कम आती है उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहाँ कुछ लाइनें लिखी गई हैं, पढ़कर के बता देता हूँ। लिखा गया है सॉल्यूशन हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर देन अदर सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक, व्हाइल ए सॉल्यूशन हैविंग हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक को समझाने के लिए मैं एग्जांपल लेने चल रहा हूँ सेलाइन सॉल्यूशंस का। जो हमारा सेलाइन सॉल्यूशन होता है उसके अंदर 0.9% मास बाई वॉल्यूम का NaCl प्रेजेंट होता है और इतना ही परसेंटेज जो है हमारे ब्लड सेल के अंदर भी होता है, जो ब्लड सेल के अंदर फ्लूइड होता है उसके अंदर। तो देखिए लिखा गया है द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन कॉल्ड नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन एंड इट इज सेफ टू इंजेक्ट इंट्रावेनसली। कहने का मतलब है कि जब आपके नस में ये लगाया जाए तब ये सेफ रहेगा, अगर वहाँ पर परसेंटेज क्या है NaCl का 0.9% मास बाई वॉल्यूम है। और यहाँ पर जो आप कंसंट्रेशन देख रहे हैं वो कंसंट्रेशन एक नॉर्मल सेलाइन सोल्यूशन का होता है। अब मैं आपको कुछ कंडीशंस दूंगा और उससे हम कुछ कॉन्सेप्ट निकालेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर को अच्छे से समझने के लिए मैं यहाँ पर ब्लड सेल्स को डिफरेंट कंसंट्रेशंस के सॉल्यूशंस में रखूंगा और ये समझाऊंगा कि किस तरीके से वहाँ पे डिफरेंट बिहेवियर समय देखने को मिलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये जो ब्लड सेल दिख रहा है, इस ब्लड सेल को
हमने ऐसे वाटर के अंदर डाल दिया है जहां पर कंसंट्रेशन जो है 0.9% मास बाई वॉल्यूम NaCl का है। मतलब कि यहाँ पर जो पानी प्रेजेंट है उस पानी में NaCl कितना है, 0.9% मास बाई वॉल्यूम के हिसाब से है। ठीक है भैया, इस वाले ब्लड सेल के अंदर भी 0.9% मास बाई वॉल्यूम का NaCl है। कहने का मतलब इसमें और इसमें कंसंट्रेशन सेम है। अगर कंसंट्रेशन सेम है तो वहां पर उनके ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम आएंगे। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर इनका और इनका सेम है तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों ही आइसोटोनिक हैं। क्या है ये आइसोटोनिक हैं। और अगर ऐसे दो सॉल्यूशंस एक साथ रखे हैं जहां पर बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, तो ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है अगर वो वाटर को अंदर से बाहर जाने को अलाउ करेगी तो निश्चित रूप से पानी बाहर से अंदर भी आएगा। मतलब कि यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम का सेटअप हो जाएगा जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर जो है बाहर से अंदर भी आ सकता है और इस सेल से बाहर भी जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे इस सेल में कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि जो हमारा वाटर है, जो हमारा सॉल्वेंट है, वो जितना बाहर जाएगा उतना ही उस सेल के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब हम इस वाले सॉल्यूशन को जिसमें कि हमने वो ब्लड सेल डाला हुआ है उसका कंसंट्रेशन अगर हम कर दें 0.9% से कम, तो इस कम कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन से जो वाटर है वो चला जाएगा इस वाले ब्लड सेल के अंदर। ऐसा क्यों हुआ उसको समझ लो। देखो भाई, यहाँ पर क्या हो रहा है, कंसंट्रेशन कम है सॉल्यूट का, मतलब NaCl का कंसंट्रेशन कम है। अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन कम है तो जो यहाँ पे ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो अब शुरू हो जाएगा। सेल के सरफेस पे जो आपको ये मेम्ब्रेन दिख रही है, ये मेम्ब्रेन जो है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। तो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर जो है अंदर जाने की कोशिश करेगा क्योंकि अंदर की तरफ जो है अब NaCl का जो परसेंटेज है वो बढ़ चुका है क्योंकि अंदर कितना है 0.9% मास बाई वॉल्यूम है, जबकि बाहर की तरफ का कंसंट्रेशन कम है। अगर बाहर कम है तो लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट मूव करेगा और ऐसा करने पर जो हमारा ब्लड सेल पहले इतना बड़ा दिखता था वो अब इतना बड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर लगातार वाटर आता जा रहा है। इसी चीज के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि इफ द सॉल्ट कंसंट्रेशन इज लेस देन 0.9% मास बाई वॉल्यूम द सोल्यूशन इज सेट टू बी हाइपोटोनिक। इस समय जो ये वाला सॉल्यूशन है इसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर कंसंट्रेशन कम है। चलिए अब दूसरी कंडीशन अज्यूम करते हैं, जो हमने यहाँ पे सॉल्यूशन लिया था उस सॉल्यूशन को अगर हम और ज़्यादा कंसंट्रेट कर दें, मतलब कि वहाँ पर हमने अब की बार 0.9% से ज़्यादा का कंसंट्रेशन ले रखा है और उस वाले सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या डाल दिया, अपना ये ब्लड सेल डाल दिया, तो हम ये देखते हैं कि जो ब्लड सेल होता है वो क्या हो जाता है, श्रिंक हो जाता है, पतला हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड सेल के अंदर से वाटर निकल करके इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाता है जो कि एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि देखो भैया, अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर ब्लड सेल डालोगे तो वो श्रिंक हो जाएगा और अगर यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो कम कंसंट्रेशन मतलब कि ब्लड सेल के अंदर से वाटर निकल करके, सॉल्वेंट निकल करके इस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा जो कि एक ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, तो निश्चित रूप से ये तो होगा ही। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर कोई ब्लड सेल डालते हैं तो वो श्रिंक कर जाएगा और वो श्रिंक जो है ऑस्मोसिस की वजह से होता है। अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, लास्ट पॉइंट पे, जो कि है रिवर्स ऑस्मोसिस, मतलब कि RO। RO आपके घर में लगा होगा, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी पर बेस्ड है, इसी प्रोसेस के थ्रू चलता है। रिवर्स ऑस्मोसिस के नाम से समझ में आ रहा है कि ऑस्मोसिस का उल्टा कार्यक्रम क्या कहलाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कहलाता है। सिंपल सी बात, इतनी बातों समझ में आ चुकी होगी। देखो भैया, यहाँ पे हमने इस चीज़ को समझाने के लिए एक चैम्बर लिया हुआ है, इसके बीच में हमने यहाँ पे SPM मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन यहाँ पे लगा रखा है। इस वाले चैम्बर में हमने यहाँ पे सॉल्ट वाटर ले रखा है और इस वाले चैम्बर में हमने फ्रेश वाटर ले रखा है।
अगर हम ऑस्मोसिस की बात करें तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर से वाटर जो है कहाँ जाएगा, सॉल्ट वाटर की तरफ जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि सॉल्ट वाटर में जो सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, बल्कि कहो यहीं पर तो कंसंट्रेशन है, यहाँ पर तो सॉल्ट का कंसंट्रेशन जीरो है। तो सॉल्वेंट कहाँ जाना चाहेगा? जहाँ पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस तरीके से हमें दिखता है ऑस्मोसिस के अंदर कि हमारा फ्रेश वाटर जो है वो सॉल्ट वाटर की तरफ फ्लो करता है, और ये जो आप लेवल देख रहे हो ये धीरे धीरे ऊपर उठने लग जाता है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि यहाँ पर पिस्टन वगैरह नहीं लगाया गया। ठीक है, आई होप आपको ऑस्मोसिस वाली बात समझ में आ गई हो कि यहाँ पर फ्रेश वाटर से सॉल्वेंट जो है सॉल्ट वाटर की तरफ जाता है, लेकिन हमें जो प्रोसेस होता है ना सॉल्ट वाटर से फ्रेश वाटर बनाने का, उसमें तो हमारा जो वाटर है वो हमें फ्रेश वाटर की तरफ भेजना होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हमें यहाँ पर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को जस्ट उल्टा करना होगा, सॉल्ट वाटर में से हमें सिर्फ वाटर को इधर भेजना पड़ेगा। तो ये काम क्या हुआ? उल्टा हुआ। किसका? ऑस्मोसिस का। इस वजह से इसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। क्या ये रिवर्स ऑस्मोसिस अपने आप हो जाएगा? जवाब है नहीं, हमें यहाँ पर कुछ जोर जबरदस्ती करना पड़ेगा। और जोर जबरदस्ती क्या है कि हम इस साइड पिस्टन लगा करके प्रेशर दे रहे हैं। जब हम प्रेशर देंगे तब यहाँ से वाटर के मॉलिक्यूल जो है फ्रेश वाटर के चैम्बर में जाएंगे, और ऐसा होने पर हमें क्या मिलेगा? खूब सारा फ्रेश वाटर मिलेगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा कि आपके घर में जो आरओ लगा है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देखो भाई, जो नॉर्मल नल का पानी है वो इधर मान लीजिए कि वो सॉल्ट वाटर है, वो थोड़ा गंदा है, वो कंटेमिनेटेड पानी है आपके पास जो है। ठीक है, उसको आप क्या करते हो? SPM के थ्रू पास करते हो और वहाँ पर थोड़ा जोर जबरदस्ती करते हो तो वहाँ पर हमें फ्रेश वाटर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए एक लाइन लिखी गई है कि रिवर्स ऑस्मोसिस इज यूज्ड इन डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डीसैलिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ सॉल्ट पार्टिकल्स। सॉल्ट पार्टिकल्स को अगर आप हटा रहे हैं तो उस प्रोसेस को डीसैलिनेशन बोलते हैं। तो अगर सी वाटर में से NaCl हटा दिया जाए या अदर कंटेमिनेटेड पार्टिकल्स हटा दिए जाएं तो इसको बोला जाता है डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। चलिए कुछ कहानी पढ़ के दिखा देता हूँ रिवर्स ऑस्मोसिस का। लिखा गया है, इफ ए प्रेशर लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड टू द सोल्यूशन साइड देन द प्योर वाटर flows out of the solution through the semi-permeable membrane. This phenomena is called reverse osmosis. देखो भैया, जो आपने ये प्रेशर लगाया वो किधर लगाया है? सोल्यूशन के साइड में लगाया है, क्योंकि इधर क्या है? सॉल्ट है, तो सॉल्ट एंड वाटर मिलकर क्या बना रहे होंगे? सोल्यूशन बना रहे होंगे, जबकि यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट है। तो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है। ओके भैया, शायद आपको समझ में आ गया हो। अब मैं आपको ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस इस फोटो से, इस इमेज से समझाने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर प्योर वाटर जो है आता है इस सॉल्यूशन के अंदर, लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर हम क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन वाली साइड पे प्रेशर लगाते हैं। जब हम प्रेशर लगाते हैं तो इस सॉल्यूशन वाली साइड से जो प्योर वाटर है, या मतलब कि जो हमारा सॉल्वेंट है, वो निकल करके इस साइड आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। इसके बाद आपके नोट्स में कुछ इंपॉर्टेंट PYQs दिए गए, इन पर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा। मुझे पता है इतना पढ़ने के बाद आपके ये सारे क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है दिल्ली 2018 में, CBSE में ये दो बार आ चुका है। मैं सिंपली थोड़ा सा हिंट दूंगा बस। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि जब आप मॉलिकुलर मासेस निकालना चाहते हैं पॉलीमर्स का, तब वहाँ पर इस ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड का यूज हम क्यों करते हैं? वहां पर क्यों नहीं हमने इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाले मेथड को यूज किया और वहां से हमने मॉलिक्यूलर मास को निकाला? तो देखो भैया, इसका जवाब यह है कि इस मेथड के अंदर हमें सिंपली हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर देखना होता है और उसको हम इजीली देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हम यहाँ से आसानी से मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आपको आया हो। और इस प्रोसेस को हम रूम टेम्परेचर पर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे जाओगे, तब वहाँ पर आपको रूम टेम्परेचर से टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, आपको चीज़ें बॉयल करनी पड़ेंगी, आपको चीज़ें ठंडी करनी पड़ेंगी। इन सारी झंझटों से अच्छा है कि आप क्या करें, ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड को यूज कर लें टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर्स। पहले अगला क्वेश्चन आपको पढ़ करके बता देता हूँ। लिखा गया है कि आउटर हार्ड सेल्स ऑफ द
टू एग्स आर रिमूव्ड, जो एग की खोपड़ी होती है ना उसको हमने हटा दिया, ठीक है भैया। तो एक एग को हमने प्योर वाटर के अंदर रखा, दूसरे एग को हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl के अंदर रख दिया है। आगे लिखा जा रहा है कि व्हाट विल बी ऑब्जर्व्ड एंड व्हाई, आपको बताना है कि जो चीज़ आप देख रहे हो वो क्या होगी और क्यों होगी, वो चलिए समझाइए। इस पूछा गया था CBSE 2010 के एग्जामिनेशन। देखो भैया, जब आप एग को वाटर के अंदर डालेंगे तो उस एग के अंदर जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स होगा वो निश्चित रूप से हाई होगा, वो तो वाटर के अंदर नहीं होगा। यहाँ पर जो आप ये प्रोटीन देख रहे हो, ये प्रोटीन काम करेगा सॉल्यूट का, इसका मतलब हुआ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन एग के अंदर ज्यादा है। जो हमारा एग है उसके ऊपर क्या लगा होता है, मेम्ब्रेन लगा होता है, और ये जो मेम्ब्रेन है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। जब हम एग को वाटर के अंदर डालते हैं तो वो वाटर जो है इस एग के अंदर चला जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि एग के अंदर जो है प्रोटीन का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। तो वाटर कहाँ से फ्लो करेगा, प्योर वाटर से एग के अंदर फ्लो करेगा। तो इस तरीके से हमें दिखेगा कि हमारा जो एग है वो स्वेल कर जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ओके भाई, अब हमने क्या किया, एग को डाल दिया NaCl के अंदर। जब हम एग को NaCl के अंदर डालते हैं तो हमें दिखता है कि वहाँ पे हमारा एग श्रिंक कर जाता है। यहाँ पर शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑस्मोसिस का प्रोसेस चल रहा है एंड वाटर विल मूव आउट ऑफ द एग मेम्ब्रेन। एग के अंदर जो वाटर था वो निकल के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, वो NaCl के सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि NaCl की कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा है, बाहर की तरफ ज़्यादा है, और अंदर जो है कम कंसंट्रेशन है। इस वजह से वाटर मतलब कि सॉल्वेंट निकल करके NaCl के सॉल्यूशन में घुस जाएगा, वहाँ चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा अंडा क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा गया है 5% सॉल्यूशन बाय मास ऑफ केन शुगर, जिसका मॉलिकुलर वेट इतना है, इज आइसोटोनिक विद दिस सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, फाइंड द मॉलिकुलर वेट ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है CBSE 2015 के कंपार्टमेंट के एग्जामिनेशन में 3 नंबर का। यहाँ पे देखिए लिखा गया है वेट ऑफ केन शुगर कितना, 5 ग्राम, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया था 5%। तो 5% कहने का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे 5 ग्राम क्या प्रेजेंट है, केन शुगर प्रेजेंट है। ओके भैया, और यहाँ पर मॉलिकुलर वेट दिया गया है 342 ग्राम पर मोल, और आपको यहाँ पे वेट ऑफ एक्स के बारे में लिखा गया है इतना। तो आपको बताना क्या है, मॉलिकुलर वेट बताना है उस एक्स का जिसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि ये दोनों क्या है, आइसोटोनिक हैं। आइसोटोनिक कहने का मतलब होता है कि दोनों सॉल्यूशंस के ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हैं। ऐसा होने की कंडीशन पे आप लिख सकते हो कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ केन शुगर इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ एक्स। यहाँ पर सारी वैल्यूज पुट कर दो, यहाँ पे लिखोगे आप CRT, तो यहाँ पे लिख दीजिए CX into R into T, और यहाँ पे लिखोगे आप C cane sugar into R into T, तो RT को क्या करिए, कैंसिल कर दीजिए। ओके भैया, C cane sugar और CX की वैल्यू आप यहाँ पे पुट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। इसको निकालने का मेथड आपके नोट्स में मेंशन है, थोड़ी सी आप मेहनत करें, जहमत उठाएं, आपको यहाँ पे आंसर मिल चुका होगा। तो भैया अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा गया है कि आउट ऑफ 1 m glucose एंड 2 m glucose Which one has the higher boiling point and why? ये पूछा गया था दिल्ली 2016 के एग्जामिनेशन में 1 नंबर का। बहुत ही आसान है। देखो भैया, कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, इस वाले ग्लूकोज की ज़्यादा, मतलब इस वाले सॉल्यूशन की ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे, और जितने ज़्यादा सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वहाँ पर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा, उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मिल रहा होगा उस सॉल्यूशन का। तो शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि 2m glucose सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से ये वीडियो होती है यहीं पे समाप्त। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। अगली वीडियो में आपको सरफेस केमिस्ट्री पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।